कह रहे ये तो सबने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ले इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे 10-20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख, उसके पास दूध भी फल भी खूब ठाट रखा, अच्छे बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो धनी सेठ के सोच रहा है बड़ी बुंडी बनी है, तुम किसी मृत्यु का कोई हत्या करी नहीं, देख फांसी की सजा होगी, दिन रख दिया 20-25 दिन, महीना 1.5 महीना जो भी। अब वो दिन तारीख दर्ज दी 25 तारीख, 24, 10, 30 तारीख, वो 30 तारीख रख दी महीने की, या 14, 6, 8 जैसे भी कोई रख दी। तो हम अपने उदाहरण के लिए उसको 8 रख दी जो 1 महीने बाद थी, और एक कोठड़ी बंद कर दिया, उसके आगे फल और दूध के पूरे पात्र भरे रहे लोटे के लोटे। जब उस फांसी के दिन में 10 दिन पहले 20 दिन जब उसने हो लिया उसको कैद में, ये पक्का हो गया तेरी फांसी होगी। संत जी गए वहाँ उनके कैद की कोठड़ी के अंदर से, उसके पास से घूम निकले आगे को, उसने देखा श्रीयामा गए, गुरु जी गए, आवाज़ लगाई, महाराज जी सुनियो महाराज जी वापस आए, वन्य देखे थे को होगा तड़े बोल लेगा, मैंने देखते ही कौन सेम है वो भगत, कहा न देखा महाराज जी ने, भाई कौन है तू, अगजी मैं वो फलाना सेठ से, और सेठ को भी पता था, उस धनी को भी पता था कि राजा इनकी पूरी मानता है गुरु जी की, और गुरु जी तक पहुंचा संदेशा जब मैं बात पड़े, तो उसने बता दी मैं वो सेठ हूँ फलाना राम, मैं विशंबरदास हूँ। बोला अच्छा, अरे तू बहुत कमजोर हो गया बेटा, क्या बात है, बिल्कुल कमजोर हो गया, ये फल रखे हैं दूध रखा है तो बहुत वीक हो गया, रहे खाता पीता को ना, अगना महाराज जी कुछ नहीं खाया जाता, एक टूक भी नीचे नहीं जाता, बस धक्के तो गेरूहे का दी रोटी अंदर जाती है शरीर में, क्या बात होगी, अगर मेरे को फांसी की सजा सुना रखी है, कति झूठा केस है मेरे पर गुरु जी, मेरे पर दया करो, मेरी पीछा छुटवाओ। ने बोला रहे खा पी मृत्यु तो सब क्यों नहीं बेटा, खा देख दूध के गिलास भरे धीरे फल रहे, खा बेटा ठाट से मृत्यु सब क्यों, अरे नहीं महाराज जी कति मर गया मत है, कुछ नहीं खाया जाता। जब उसने उस राजा बुलाया, भाई छोड़ दिया भगत ने, ये तो निर्दोष है, तब उस संत ने बताया कि भाई लाला जी जिस प्रकार तने 8 दिखाई थी ना, उन्हें कहा मैंने तो 8 दिखाई दी से कुछ नहीं खाया जाता, तो बेटा तने जिस प्रकार ये 8 दिखाई थी दिखे है ना, क्योंकि आपको पता लग गया निश्चित होगी 8 न तू फांसी टूटेगा, डर बिना अखा, तो इसी प्रकार मुझे मेरी 40 बाद हुआ 8 मन दिखाई दे आज, इसलिए मेरा इस संसार में रुचि रही नहीं, जिस प्रकार आपकी ना घर में रुचि, ना कहें की रुचि, ना तू खास खाने में रुचि तेरी, एक ना कोई रुचि नहीं थी, बस मरता हुआ खाऊं था और 8 के गुण गाऊं था, उस 8 पर ध्यान लगाऊं था। तो परमात्मा कहते, वो संत जी कहते हैं कि मैं भी भाई मन ने अपनी 8 व 40 पीछे आने वाली ऐसी ही नजर आ रही जैसे आप जी को अब दिखे थी। तो पुण्यात्मा हमारे ऊपर इतना दबाव है इन तीनों गुणों का, इस त्रिगुणमयी माया का, कि हम 10 बाद भी याद नहीं रख सकते इस मौत को, और यह रखनी चाहिए, रखनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष 65 वर्ष 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा तो, उसके बाद मान लिया चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी
तो बस बहुत मौत तो ही बुंडा जीवन है बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापा, बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में बताया है कि जो उस तत्व ज्ञान के आधार से, उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर ब्रह्म से, अध्यात्म यानी सारे इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है। आज के सत्संग में आपको इस कर्मों से परिचित कराया जा रहा है, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराया जा रहा है। तो वो व्यक्ति फिर जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, मरण मीन मृत्यु। वो जरा माने बुढ़ापा यानी बुढ़ापे से और मृत्यु से छूटने के लिए ही प्रयत्न करता है जो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है। क्योंकि वो तत्ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म ही हमारे को जरा और मरण से सदा के लिए छुटकारा दिला सकता है। सतलोक के अंदर जाने के बाद आपका शरीर वृद्ध नहीं होगा, आप जी की मृत्यु नहीं होगी। अब पुण्यात्माओं, हमने वो ज्ञान सुना नहीं, हमने स्वर्ग भी सुना था पर देखा नहीं था। स्वर्ग सुनते थे, स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन जान की इच्छा कति नहीं थी, मृत्यु नहीं चाहवा थे। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि आप जी यहां से जाने की रुचि बनाओगे, क्योंकि यहां इतने कष्ट हैं संसार में, इसको देख देख कर इनसे तंग आकर के आपका मन हट जाएगा। और इस तत्व ज्ञान के आधार से आपको यह भी पता चलेगा कि ये तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं, असंग जन्मों में पहले भी हो लिया और आगे भी होगा। यदि सतलोक नहीं गए, अब सतलोक में जाने के बाद आपकी पुनः जन्म नहीं होगा, वृद्धावस्था नहीं आएगी, बुढ़ापा नहीं होगा और मृत्यु नहीं हो। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे, दो दिन आगे पीछे समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता, चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी सिर दुख है कभी सिर दुख है और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मंत्र से कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठंड का टाइम आवे ना, जब उल्टा हटता है कोई भी हटे, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज न्यो कहा करती, हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी दुखी हो ली इस परिवार तय, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कह मन उठा ले, तो उसने न्यू सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गदा होती है। तो उस लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया और उसमें सींग पो लिए दो और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करिए नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की, और पहले से टिमटिमाते हैं दीवे व्या करते, दीवा दिया ला दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुँह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले सोचा और चल तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया ने देखा तो सचमुच आ गया यमदूत खड़ा है, ने बोला अरे भाई मन्ने के करेगी तू, योर कुण बार मन्ने के करेगा बुढ़ी ने, योर कितना कुण बारा किसे दे जा तू। अब ने बोला ना 13 नंबर है, बोला अरे भाई तेरे आगे दोनों हाथ जोड़ू मन ना ले जाए वह। तो फिर उसने उतार दिया सारा साज बाज हटके और धर दिया तला, इन्होंने बोला दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मन ठाले ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली रे ढेड़ तने गट दू तू था, तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे हैं मन ठाले, पर ठंड का टाइम आओ जब उल्टे उल्टे हट रहे हैं
तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा, और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का नहीं सोचा, 20 साल तो 80 साल तो जीवाएं जीवाएंगे, और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 साल का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है, हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना दो नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने फिर। तो यहां तो से तो आपने जाना ही पड़ेगा, और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो, उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होगे, और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में। आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया मेरा, तभी इसमें आस्था है। और यहां आस्था आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा तां बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहां किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने या फिर बैल बनकर आ जा, और यहां आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आने नहीं देगा, और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना देगा। और जो भक्ति नहीं करते, तो फिर हमने यहां से तो जाना ही जाना है, भक्ति कर रहे हैं जो, उनके मन में ये आ जाना चाहिए कि फिर जन्म हो गया तो फिर यह दुर्गति शुरू। मनुष्य जन्म भी हो गया तो मनुष्य जीवन में के सुख पाया अपना, आज हम 60 साल के हो गए, हमें पता है क्या मिला इस जीवन में और क्या हमारा था और क्या पराया था। तो इस ज्ञान के आधार से निर्णय हो जाएगा कि अगर फिर जन्म हो गया, फिर वो प्रोसीजर, बेटा ना हुए तो दुखी हो गए तो महादुखी, क्योंकि फिर उनके पालन में पोषण में कोई बेका देगी, मृत्यु हो जाए काल तो फिर रोज जाना करे काम, तो रो रो कर टक्कर मारेंगे, वह दुर्गति न्यारी। तो इन सब बातों को ध्यान रख के तो सच्ची श्रद्धा बना ले कि तो मरना पड़ेगा, पर इसी जगह चला फिर मरना ना पड़े, यहां से तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये तो अपना है ही नहीं, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, उनमें मोह है या ना है। तो अपने परिवार में आप जी ने ऐसे रहना पड़ेगा जैसे एक गाड़ी रेलगाड़ी का कंपार्टमेंट होता है, और उसमें आप सफर कर रहे हो, जिसका जहां स्टेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। किसी का 2 घंटे का है, किसी का 10 घंटे का सफर है, किसी का 24 घंटे का है वो। तो ऐसे ही आप जी इस को ऐसा समझ कर रहोगे जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल में जाकर डटगे तो वहां सारी सुविधाएं होते हुए भी आपको पता है कि मेरी नहीं है, उनका प्रयोग भी करना है, उनमें मेज कुर्सी पलंग टीवी वहां पर है, उनका पंखा कूलर एसी फ्रिज उनका प्रयोग भी करना है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि मेरी को ना, ये तो धनी की है। तो ऐसे ही ये सारा रेस्टोरेंट ये होटल ये काल का है, और हमने किराए पर अपनी पूंजी जमा करा का यहाँ, तो ये कुछ समय का रहने का यहाँ पर मिला हुआ है, और ये व्यवस्था बता दी, इस खेती में बना रखा, ये मजदूरी कर, ये ऐसे खा ले, ये या छोड़ रखा, लेकिन ये अपनी नहीं, हम यहाँ होटल में कुछ दिनों के लिए सटे करे हुए,
यदि ऐसी आस्था आपकी बन जाएगी तो फिर कोई पल्ला नहीं पकड़ेगा आपका, कोई बाधा नहीं।